दर्शकों को स्वागत है आपका विधि संयम टी न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत सिंघारिया। अब देखते हैं दिनभर की खास खबर। सांची रोड स्थित मां काली मंदिर के सामने बाइक सवार दो नवयुवकों को तेज रफ्तार कार ने मारी जोरदार टक्कर, दोनों की हुई मौत। देवी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती पर विदिशा पहुंची यात्रा का एबीपीपी ने किया स्वागत व सम्मान। और वार्ड क्रमांक 39 की सास की राशन दुकान अन्यत्र जाने से परेशान है वार्डवासी, पार्षद के साथ पहुंचे कलेक्टर के पास। बीती देर रात 11 बजे के लगभग सांची रोड पर मां काली मंदिर के सामने एक तेज रफ्तार कार ने मोटर बाइक को जोरदार टक्कर मार दी, जिस पर दो नवयुवक सवार थे, दोनों गंभीर रूप से घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल लाया गया। डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मृतकों की पहचान 17 वर्षीय आदित्य और 18 वर्षीय रोहित के रूप में हुई। दोनों विद्यार्थी थे, रात को मौसी के यहाँ सांची जा रहे थे, तभी भीषण सड़क हादसे में दोनों की मौत हो गई। रोहित मावर ललकपुर अभी सर। क्या घटना घटित हुई है, कौन है वो, क्या नाम है? मेरा छोटा भाई है, उसका एक्सीडेंट हुआ है ये काली जी के मंदिर के पास रंगई पे। वो फोटो वीडियो भी है जिसने किया है, उसकी कार का फोटो भी है मेरे पास। उसके ऊपर का किसकी नाम, क्या नाम है उनका? एक का नाम सुमित है, एक का आदित्य। कितनी उम्र होगी इनकी? 17-18 साल। क्या करते थे? पढ़ाई करते थे। कहाँ से कहाँ जा रहे थे? ये जा रहे थे मौसी के घर सांची। सांची जा रहे थे मौसी के घर, जाते में हुआ है। जाते में कार से हुआ है? कार से I-20। I-20 कार से। क्या हुआ फिर, कितने बजे की घटना होगी? ये होगी 11 बजे के समथिंग, 10:30 बजे की, 10 से 11 के बीच। लक्की विश्वकर्मा। अच्छा, एक्सीडेंट कहाँ पर हुआ है? ये हुआ है रंगाई मंदिर के थोड़े इधर पुलिया के इधर, काली जी के मंदिर के इधर। अच्छा, से ये मोटरसाइकिल से कार में टकरा है। अच्छा, कितने लोग थे? ये दो लोग थे। क्या क्या नाम थे? एक का नाम सुमित है, एक का नाम आदित्य। अच्छा, कितनी उम्र होगी इनकी? 18-19। कहाँ जा रहे थे ये लोग? जा रहे थे सुमित की मौसी के इधर। क्या काम से जा रहे थे? काम तो मौसी के इधर जा रहे थे वो लोग, यहाँ से सीधे सीधे। ये होगी 10:30 से 11 के समथिंग। परिवार जन क्या करते हैं परिवार में? सर हम लोग ही हैं परिवार में सर। किसकी गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ है? सर मामा जी की गाड़ी से। कार के कार के पीछे लिखा है, उसकी नंबर प्लेट टूटी गई है दोपहर में, सुबह मतलब रात में थी उसकी नंबर प्लेट, मगर सुबह उसकी नंबर प्लेट भी गायब हो चुकी है। पुलिस द्वारा कार्रवाई कर रहे हैं, मगर वो लोग ये बोल रहे हैं कि हमको आपको यहाँ से लिख के दे रहे हैं, वहाँ से कोतवाली से ओरिजिनल रिपोर्ट निकाल लेना आप जाके। ये सब पुलिस बोल रही है, एक्सीडेंट वालों की बोल रहे हैं वो, मतलब वो कोई पक्की वो नहीं दे रहे हैं कि उसके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं जिसने ठोका है कार से। जी देवी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती के अवसर पर शुक्रवार की देर शाम को यात्रा का विदिशा पहुंचने पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। एबीवीपी के सदस्य बड़ी संख्या में मौजूद थे। मैं शुभम ठाकुर, जिला संयोजक विदिशा, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद क्या कार्यक्रम है?
आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की एक यात्रा जो कि गोरखपुर में हमारे राष्ट्रीय अधिवेशन में पहुंच रही है, महेश्वर से चलकर आज विदिशा में प्रवेश कर रही है, जिसका अभिनंदन समारोह आज हमारे विदिशा में माधोगंज पर रखा गया है। तो उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य अहिल्याबाई जी की 300वीं जन्म जयंती के रूप में हम पूरा वर्ष यह अहिल्याबाई जी के रूप में कार्यक्रम मनाने जा रहे हैं। तो उसको उनके जो सशक्त शासन जो रहा है उसकी हम पूरे देश में इस यात्रा के माध्यम से संदेश पहुंचाना चाह रहे हैं। सर्दी का मौसम दस्तक दे रहा है, रात्रिकालीन सर्दी बढ़ रही है। वहीं देखने में आया कि शहर के कुछ स्थानों पर कई गरीब लोगों का जीवन कठिन हो रहा है। बेतवा के शनि मंदिर के सामने कुछ लोग निद्रा में थे, वहीं नीमताल गांधी चौक के प्रांगण में गरीब सूती देखे गए जिनके पास ना तो छत थी और ना ही उड़ने बिछाने के कपड़े। सर्दी से राहत कैसे मिलेगी इन गरीबों को, देखिए आप। कई ऐसे परिवार हैं जो फुटपाथ पर भी अपना जीवन गुजर बसर कर रहे हैं। वार्ड क्रमांक 39 के पार्षद सहित वार्डवासियों ने कलेक्टर को ज्ञापन के माध्यम से बताया कि वार्ड में स्थित शासकीय राशन दुकान संचालित थी, जिसे अन्यत्र स्थान पर कर दिया गया है, जिससे वार्डवासी काफ़ी परेशान हो रहे हैं। यथा स्थान दुकान संचालित करने की मांग की है। मैं दीपक कुशवाहा जी, किस संबंध में कलेक्टर से मुलाकात की आपने? कलेक्टर साहब से यही निवेदन है कि पहले कलेक्ट्रेट के कुछ प्रमुख अधिकारियों से निवेदन किया गया था कि दो वर्ष हो गए हैं उचित मूल्य की दुकान शहर के अन्य किसी वार्ड में आ गई है, जिससे मेरे वार्ड नंबर 39 में 15,000 के लगभग जनसंख्या है और सभी हितग्राही परेशान हो रहे हैं। मैं अपने माध्यम से सभी जगह निवेदन कर चुका हूं और वो कंट्रोल हितग्राही को लाभ नहीं मिल पा रहा है, इसी माध्यम में कलेक्टर साहब से आज इसी विषय में मुलाकात हुई। जन चेतना शिविर का आयोजन पुलिस थाना नटीरन क्षेत्र में आयोजित हुआ। ग्राम नया गोला पर श्री कृष्ण विद्यासागर कॉन्वेंट हाई स्कूल में बाल मेला के अवसर पर जन चेतना शिविर का भी आयोजन हुआ। बड़ी संख्या में विद्यार्थी सहित वरिष्ठ नागरिक गण भी शामिल हुए। वहीं टीआई आशुतोष सिंह द्वारा आवश्यक कानूनी जानकारियों से अवगत कराया गया। क्या मिलती है क्या, ये सब क्या बनाने, बेवकूफ बनाने का तरीका। बेवकूफ बन गए तो आप परेशान हो जाओगे और आपके अकाउंट जितने पैसा सब खाली हो जाएगा। नहीं करता, जो लिंक मेरी जानकारी नहीं मैं उसको टच ही नहीं करता। कई बार SMS आते हैं 600 रुपए का रिचार्ज जल्दी हो जाएगा, ये सब फालतू बातें हैं, होती है कि कभी कुछ नहीं होता, ठीक है ना। इससे अलर्ट रहना। क्या करोगे, मान लो आपने सतर्कता रखते हुए जानकारी के अभाव में आपके आपके रिश्तेदारों से फ्रॉड हो गया, फिर क्या करोगे, किसी को जानकारी है किसी को? बरीपुरा रामलीला रोड शराब दुकान के सामने अज्ञात वाहन ने मोटरसाइकिल चालक को मार दी थी टक्कर, वह काफी देर तक घायल अवस्था में रोड पर ही पड़ा रहा। रामलीला क्षेत्र झुग्गी झोंपड़ी वासी गरीब बच्चों को शहर के समाजसेवी युवाओं द्वारा चप्पलें पहनाई गईं। करीब 75 मासूम गरीब बच्चों को चप्पलें पहनाई गईं। ये रामलीला मैदान के पास विदिशा में ये झुग्गियाँ बनी हुई हैं, यहाँ काफ़ी बच्चे नंगे पैर घूम रहे हैं, तो इनके लिए आज हमने चप्पलों का वितरण किया है। सभी को चप्पल पहना ही है और चूंकि आज बाल दिवस है तो बच्चों का दिन है, बच्चों के भविष्य के लिए अच्छी अच्छी योजनाएं बनाई जाती है, उनके स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए। बाकी हम ये साल भर कुछ ना कुछ करते रहते हैं, तो आज हमने चप्पलों का ये व्यवस्था करके इनको पहनाई है, आगे भी ऐसे कार्य करते रहते हैं। शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय में विश्व सहिष्णुता दिवस मनाया गया। जिला आनंदम सहयोगी व मास्टर ट्रेनर विजय श्रीवास्तव ने छात्र छात्राओं की उपस्थिति में सभी को सहिष्णुता दिवस की शुभकामनाएं दी। विजय कुमार श्रीवास्तव, मध्य प्रदेश राज्य आनंद संस्थान द्वारा
मास्टर ट्रेनर और जिला आनंदम सहयोगी हूँ। आज विश्व सहिष्णुता दिवस मनाया गया, अंतर्राष्ट्रीय है और इस स्तर पर हम हमारे व्यवहार में परिवर्तन हो और जहाँ पर हमें क्रोध आता हो और अपने को शांत समय लेते हुए उसमें कल प्रोग्राम करना चाहिए और हमारे जो विरोध विद्रोही हैं, मतलब हमारे जो विरोधी हैं, चाहे विरोधी हों चाहे कुछ भी हों, उनका हमें हमेशा पॉज लेते हुए उनका सामना करना चाहिए और हमेशा जीवन अपने आनंद में व्यतीत करना चाहिए। धन्यवाद। रविंद्रनाथ टैगोर सांस्कृतिक भवन ऑडिटोरियम में आयोजित कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित व कन्या पूजन के उपरांत किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मध्य प्रदेश सहरिया जनजाति वर्ग के प्रदेश अध्यक्ष फूल सिंह सहरिया ने कहा कि शासन प्रशासन द्वारा जिले में सहरिया जनजाति वर्ग के नागरिकों को घर बैठे शासकीय योजनाओं का लाभ दिलाया जा रहा है। इस अवसर पर कलेक्टर रोशन कुमार सिंह सहित वरिष्ठ जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। सोसाइट का है जिसमें सेक्शन 304B का है या 498A का है, तो उसमें स्टेप्स होने चाहिए। पहला स्टेप कंप्लेंट हुई है, ये भी बात कर रही है कि अगर ऐसा AI इनेबल्ड ऐप बन सकता है क्या कि जिसमें हर स्टेशन पे हर जगह पे वो डाउनलोडेड रहे ऑफिसर के पास है, तो समाज ये मैसेज देता है उसको कि तुम जब चाहे दबोच सकते हो लेकिन तुमको कानून फिर उस हिसाब से दंड भी देगा। तो ये जो एनाटॉमी ऑफ क्राइम को अगर हमने जाने देगा है, मतलब आगे वो आदमी अब 326 IPC की तैयारी मानसिक तौर पे कर रहा है, शायद ना भी करे, हर आदमी ऐसा नहीं होता है, लेकिन अगर आपराधिक प्रवृत्ति का है और अगर 376 या 307 या 302 या अन्य किसी जघन्य अपराध में तब्दील होने से बच जाएगा, ये ब्रोकन विंडो थ्योरी कहती है। तो पुलिस विवेचना में एक इस थ्योरी को भी अप्लाई करना चाहिए। कई बार क्या होता है कि वो बड़े अपराधों को खबरों को देते हैं पर विराम। आगामी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा विधि सही MT न्यूज। नमस्कार।